मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी विश्व कप के फाइनल के नतीजे के आधार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि इसके उचित तरीके के बारे में भी समझाया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच बीते रविवार को खेला गया फाइनल मैच में मैच टाई हो गया था। इसके बाद सुपर ओवर किया गया था लेकिन यहां भी मैच टाई हो गया था और विजेता का फैसला इस आधार पर निकला कि किस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज लगाई हैं और इसी आधार पर इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनी। आपको बता दूं 100 इंटरनेशनल शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे लगता है कि विजेता का फैसला इस आधार पर नहीं होना चाहिए था कि दोनों टीमों में से किसने ज्यादा बाउंड्रीज लगाई हैं। इसके बजाय चैंपियन का फैसला एक और सुपर ओवर कराकर किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जैसा कि फुटबॉल में जब मैच अतिरिक्त समय में आ जाता है तो कुछ और मायने नहीं रखता। आपको बता दूं भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा ने भी बाउंड्रीज के आधार पर जीत के दिए जाने के नियम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि नियम बदलने का वक्त आ गया है। वहीं सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो जाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि विश्व कप में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर नॉकआउट किया जाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके शीर्ष दो टीमों को हार के बाद एक और मौका मिलता है। सचिन तेंदुलकर ने कोहली की बात में भी हामी भरी।